नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी के बाद से हालत नाजुक बताई जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी तो उनके ब्रेन डेड होने की अटकलें भी लगा रही हैं। तो ऐसे में हर किसी के सामने बड़ा सवाल है कि ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया का नेता बनके कौन उभरेगा और कौन नॉर्थ कोरिया का नया तानाशाह बनेगा। तो ऐसे में जो नाम सबसे आगे आगे चल रहा है और सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर के आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग है। किम यो जोंग पिछले काफी वक्त से किम जोंग के सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले ही उनका जो नाम था वो पोलिट ब्यूरो उनकी वो संस्था है जो देश के सभी अहम फैसले लेती है उसमें उनका नाम जाना इस बात का साफ साफ संदेश था कि अगर किम जोंग के बाद देश में कोई दूसरे नंबर पर है इस वक्त तो वो किम यो जोंग है। और अब देखने वाली बात होगी कि किम यो जोंग के सामने जो चुनौतियां हैं अगर मान लीजिए किम जोंग वक्त पर फिट नहीं हो पाते और ऐसे में किम यो जोंग को सामने आना पड़ता है नेता बनके तो उनके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। सबसे पहली चुनौती तो कि तानाशाह बनने के लिए और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तैयार बैठे हैं और बगावत भी कर देंगे और खास करके नॉर्थ कोरिया में जो फीमेल का इतना नहीं सुनी जाती या फिर यूँ मान लीजिए कि पुरुष वाली वहाँ पर पूरी सोसाइटी है और वहाँ पर पुरुषों को ही नंबर वन माना जाता है तो ऐसे में कितने लोग किम यो जोंग की लीडरशिप को स्वीकार करेंगे ये देखने वाली बात होगी। किम यो जोंग ने अपनी पढ़ाई स्विट्जरलैंड से की है और स्विट्जरलैंड से आने के बाद वो अपने पिता के सलाहकार बन के रही और एक वक्त पे उनको उनके भाई से ज़्यादा तरजीह दी जाती थी उनके पिता के वक्त में। फिर पिता के बाद उनका भाई तानाशाह बना और भाई के भी वो हमेशा पॉलिटिकल एडवाइज़र बन के रही। इसके अलावा वो अपनी भाई की सुरक्षा में हमेशा ही अहम योगदान निभाती रही हैं। उनके भाई जब भी विदेश जाता कहीं और वहाँ पर अगर वो सिगरेट पीता था तो उनकी बहन जो एस्ट्रे होती थी उसको अपने साथ रख लेती थी और अपने भाई के कहीं भी इस तरह के कोई भी सबूत नहीं छोड़ती थी कि उनके भाई का DNA किसी देश के पास जाए क्योंकि उनकी बहन का मानना था कि अगर मेरे भाई का DNA किसी देश के पास होगा तो ये मेरे भाई के लिए खतरा हो सकता है और इसीलिए वो अपने भाई के सिगरेट के एस्ट्रे भी अपने साथ ले जाती थी। तो कुल मिलाकर किम जोंग के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर रही है और अगर किसी के बनने की उम्मीद है तो वो किम यो जोंग ही है यकीनन। अब देखने वाली बात होगी वहाँ की पुरुषों वाली सोसाइटी में किम यो जोंग के सामने चुनौतियाँ जो हैं वो उनका सामना कैसे करती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।